दशहरे की रात बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नकपुरा में दो युवकों पर जानलेवा हमला करते हुए एक युवक को मौत की घाट उतारने वाले आरोपियों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंगेली जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में मुंगेली रायपुर रोड पर स्थित भरत दाल मिल के पास बस और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल है, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिलासपुर सिटी कोतवाली चौक से दुर्गा समितियों की बारी बारी से प्रवेश कराने के दौरान शनिचरी बाजार और कुदूदंड दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद युवकों ने लाठी डंडा और रॉड लेकर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। युवकों की भीड़ डीजे और लाइट के साथ ही दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई इस घटना से संस्कार धारी को शर्मसार कर दिया है। बिलासपुर की खाद्य विभाग की टीम ने एक साथ पुराना बस स्टैंड स्थित क्षेत्र में होटल में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग करते पकड़ा है। खाद्य टीम ने 9 संस्थानों से कुल 72 सिलेंडर को जब्त किया है। सभी संस्थानों को प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया, जब सिलेंडर गैस एजेंसी संचालकों के सुपुर्द किया गया है। कोरबा जिले में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कुसमुंडा परियोजना क्षेत्र ग्राम मनगांव के पास मालगाड़ी में कोयला लदाने के लिए साइलो व बंकर का निर्माण किया जा रहा था। शुक्रवार को निजी कंपनी के बंकर निर्माण के दौरान ऊंचाई में कार्य करते समय 2 मजदूर लोहे से टकराकर लटक गए। उपचार के दौरान 1 मजदूर की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के बागनदी थाना क्षेत्र में मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे 53 पर हुए सड़क हादसे में मां बेटे और 5 साल की मासूम की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग दीवान टोला गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद कार चालक अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बालों सहित 6 जिलों के 10,000 से ज्यादा लोगों से लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव कुमार वर्मा को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 2015 से फरार था। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। सिर पर चोट के निशान है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस हत्या कर शव के फेंके जाने की आशंका जता रही है। युवक की पहचान सतपन सिंह बरार उर्फ मोनू के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी जिले में जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर गए। यहां 23 गांव के लोगों ने नगरी सिहावा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। लोगों का कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जैजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेंद्री में बिस्किट लेने गया 4 साल का मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए उसे CHC जैजपुर लाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी और ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में सिमनी मोड़ के पास देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी और बच्चा घायल है। पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जसपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में बीते माह 16 जुलाई की रात नगर के विभिन्न दुकानों के ताले तोड़कर नगद सहित मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी के मामले में कोतमा पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से पुलिस ने 3000 रुपए नगद और 2 लोहे के छेनी और एक मोबाइल बरामद किया है। सोनार पारा मुंगेली में स्थित पालिया ज्वेलर्स के घर से अज्ञात चोरों ने 50 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने पार कर दिए थे। मामले में मुंगेली जिला पुलिस ने चोर देवराज लोधी को पकड़कर उसके पास से 50 लाख के सोने चांदी के गहने और खरीदार दीपक गुप्ता को पकड़कर उसके कब्जे से 2 नग चांदी की सिल्ली तथा चोरी में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को बरामद किया है। रायपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर उरला थाना क्षेत्र स्थित मेटल पार्क के पास ट्रक में स्क्रैप भरकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे 2 आरोपियों को पकड़कर 1 लाख रुपए कीमत का स्क्रैप जब्त कर दोनों आरोपी अंकित कुमार श्रीवास्तव एवं शिव कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रदेश के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं पहुंच रहा। हालांकि एचपी रिलायंस के पेट्रोल पंप का विकल्प होने की वजह से परेशानी उतनी अधिक नहीं है, मगर टैंकर के मालिकों का दावा है कि उनसे जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। रायपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 32 नग दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने शंकर पनका उर्फ शंकर देवदास, ऋषभ उर्फ सोनू कुमार और सत्येंद्र पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। शेयर मार्केट में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 87 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी निजामुद्दीन एपी उर्फ निजाम को राज्य साइबर पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। निजाम को त्रिशूर के बदनापल्ली से गिरफ्तार करके शुक्रवार को रायपुर लाया गया। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए साइबर थाना की टीम महाराष्ट्र और केरल गई है।